प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में भारी संख्या में कोरोना टेस्ट करवाने वालों की संख्या को देखते हुए पिछले महीने बल्लभगढ़ के अस्पताल में भी टेस्ट की सुविधा शुरू करवाई गई थी, जहां हर रोज करीब 100 मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। दरअसल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है और लोग किस तरह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिला। दरअसल लोग जानबूझकर एक दूसरे से सटकर बैठे हुए हैं और खड़े दिखाई दे रहे हैं। चेकअप करवाने के लिए आए कोरोना के लिए चेकअप करवाने? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। वहीं जब डॉक्टर AK यादव से सैंपलिंग को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में 3 मई को सैंपलिंग की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अब तक लगातार हर रोज 100 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो कंफर्म केस आते हैं उनसे फार्म भरवाकर लिस्ट तैयार की जाती है, फिर बारी बारी से उन्हें सूचना देकर अस्पताल में बुलाकर उनके सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन बाहर लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के मुद्दे पर डॉक्टर खुद भी नाराज नजर आए। उनका कहना था कि बार बार समझाने के बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। देखिए, हमारे बल्लभगढ़ ब्लॉक में अच्छी बात है कि 14 मई से हमारे यहाँ सैंपलिंग स्टार्ट हो गई है। इसका तरीका ये है कि हमारे कंफर्म केस जो भी आते हैं, पॉजिटिव केस आते हैं, फिर उनको कंसर्न डॉक्टर उनकी लिस्ट तैयार करके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हमें वो सौंप देते हैं। वो फिर हम उनको शेड्यूल से बुलाते हैं, टाइम देकर बुलाते हैं, ताकि अफरा तफरी का माहौल ना पैदा हो और सब शांति से निमट जाए। फिर वो जैसे जैसे आते हैं उनके फॉर्म भर जाते हैं और फॉर्म जब 40-50 भर जाते हैं तो फिर हम सैंपलिंग के लिए रेडी कर देते हैं उनको। अभी भी ये सैंपलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, पिछले कुछ दिनों से तो 100 के लगभग हो ही रहे हैं, 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। अदरवाइज़ तो 60-70 तो यहाँ पर रूटीन में होते ही है। लोगों को समझाने का तो मैं कुछ पता नहीं क्या मंत्र पढ़ना पड़ेगा, उनको पहले भी समझाया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बताइए हमने, हैंड वॉशिंग बताई हमने उनको पर्सनल हाइजीन के भी टिप्स बताए, उन्होंने कभी फॉलो किया? कभी नहीं किया। अगर वो करते तो शायद ये नौबती नहीं आती। हाँ, अभी आगे वो लाइन में अगर अफरा तफरी मचाएंगे तो उसके लिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उनको खुद ही पता है, जब हमारे यहाँ पॉजिटिव केस की वजह से हम यहाँ आ रहे हैं तो उनको खुद समझना चाहिए। मैं भी इसे बहुत परेशान हूँ, मैंने गार्ड को भी दे रखा है वहाँ पर सब कुछ, लेकिन वो कहना किसी का नहीं मानते। तो आप प्लीज़ उनसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन करिए, ये डॉक्टर्स के कुछ क्वेश्चन लायक नहीं है। ये हमने पूरी व्यवस्था की है लेकिन उसके बाद भी नहीं मानते, तो फिर हमें पुलिस का भी हमें सहायता लेनी पड़ सकती है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।